बीकानेर राजस्थान का प्रमुख शहर होने के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी विशिष्ट पहचान रखता है। बीकानेर क्षेत्र में उत्कृष्ट रेल सुविधाएं प्रदान करने के क्रम में रेलवे द्वारा बीकानेर स्टेशन का लगभग 471 करोड़ रुपए की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार बीकानेर स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य महाप्रबंधक श्री अमिताभ के दिशा निर्देशन में युद्ध स्तर पर चालू हो गया है। वर्तमान में इस कार्य का एस्टीमेट और डीपीआर स्वीकृत हो चुका है। 38 लाख रुपए की लागत से पूरे प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंसी का टेंडर भी दिया जा चुका है, जो फिलहाल पूरा होने वाला है। वर्तमान में टेंडर शेड्यूल, ड्रॉइंग इत्यादि बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। कैप्टन शशि किरण ने बताया कि बीकानेर स्टेशन बिल्डिंग के निर्माण में स्थानीय कला, हेरिटेज और आधुनिकता का समावेश किया जाएगा। स्टेशन उत्तर पश्चिम रेलवे पर भूतल और 9 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसमें 3 मंजिल पर यात्री सुविधाएं विकसित की जाएगी तथा अन्य मंजिलों को वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए उपयोग में लिया जाएगा। स्टेशन बिल्डिंग का 46,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही 47,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को सर्कुलेटिंग एरिया और पार्किंग के लिए विकसित किया जाएगा। मुख्य स्टेशन बिल्डिंग में आगमन प्रस्थान हेतु अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार, 98x36 वर्ग मीटर का एक एयर कॉन्कर्स, कवर्ड प्लेटफॉर्म, लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा, फुट ओवर ब्रिज, अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित वेटिंग रूम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एग्जीक्यूटिव लाउंज, उन्नत और मानक स्तर की लाइटिंग, फूड कोर्ट इत्यादि का प्रयोजन रखा गया है। वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, महिलाओं और यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर 38 लिफ्ट और 24 एस्केलेटर भी लगाए जाएंगे। इसके साथ ही स्टेशन पर दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं, संकेतक, शौचालय, बैगेज स्कैनर, मेटल डिटेक्टर तथा कोच गाइडेंस बोर्ड और ट्रेन इंडिकेटर इत्यादि के साथ समस्त प्रकार के आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। स्टेशन पुनर्विकास में ऊर्जा खपत में कमी के लिए ग्रीन बिल्डिंग आधारित सुविधाएं भी होगी, जो नवीकरणीय ऊर्जा के साथ कचरे का उचित निस्तारण, वर्षा जल संचयन आदि जैसे संसाधनों से युक्त होगी। स्टेशन पर हरित और पर्यावरण अनुकूल सौर ऊर्जा प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। स्टेशनों का पुनर्विकास भारतीय रेल की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और उत्तर पश्चिम रेलवे भी अपने स्टेशनों का पुनर्विकास कर रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के 9 स्टेशनों का मेजर रीडेवलपमेंट पुनर्विकास किया जा रहा है, जिसमें कि बीकानेर मंडल का बीकानेर स्टेशन भी शामिल है। बीकानेर स्टेशन को लगभग 471 करोड़ की लागत से पुनर्विकास किया जा रहा है और इसके लिए कंसल्टेंसी का टेंडर अवार्ड किया जा चुका है और इसका टेंडर शेड्यूल और ड्राइंग की प्रक्रिया भी काफ़ी तेजी से प्रक्रियाधीन है। हमारा ये पूरा लक्ष्य है कि इस स्टेशन रीडेवलपमेंट के माध्यम से हम यात्रियों को एक नई अनुभूति दे सके, जिससे कि वो वर्ल्ड क्लास स्टेशन का फील कर सके। और इसी क्रम में वहाँ पे एयर कॉन्कोर्स बनाया जा रहा है, जो कि लगभग 3600 स्क्वायर मीटर एरिया का होगा। इसके अलावा सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, ताकि जो है वहाँ पे सारी ग्रीन एनर्जी से समावेश होगा। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव लाउंजेज होंगे, पार्किंग की पूरी समुचित व्यवस्था होगी, दिव्यांगजनों के लिए बहुत व्यवस्था होगी। तो हमारा पूरा यह प्रयास है कि वहां की जो लोकल संस्कृति है, कला है, उनका समावेश करते हुए और आधुनिकता को मिलाते हुए एक हम स्टेशन का पुनर्विकास करें। उत्तर पश्चिम रेलवे का हमारा लक्ष्य है कि जल्दी से ही इस परियोजना को कंप्लीट करें और यात्रियों को एक आधुनिक और सुसज्जित एक हम सुविधा प्रदान कर सकें।